ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संजीव लाल और जहांगीर को मंत्री आलमगीर आलम के सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी सवाल पूछे। हालांकि इस पूछताछ के दौरान मंत्री आलमगीर आलम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, जिसके बाद मेडिकल की टीम ईडी दफ्तर पहुंची। जानकारी के अनुसार आलमगीर आलम एंजाइटी से ग्रसित है, हालांकि मेडिकल टीम चेकअप के बाद चली गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मोहम्मद इमरान। विभाग में हुए टेंडर और कमीशन घोटाले मामले की जांच जब ईडी कर रही है, इसी ईडी की जांच के कड़ी में जो है आलमगीर आलम लगातार पिछले दो दिनों से रिमांड पर है। छह दिनों की रिमांड मिली थी, जिसके आज दूसरा दिन जो है लगातार ईडी के अफसर जो है आलमगीर आलम से पूछताछ कर रहे हैं। बड़ा एंजाइटी में है, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सब ठीक है। नींद वाला प्रॉब्लम तो रहता ही है, तो सीपैप मशीन लगाना पड़ेगा उनको। अरे रेगुलर लगाते भी हैं रात में, और कोई दिक्कत नहीं है। ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है पूछे जाने वाले सवालों से वह चिड़चिड़ा रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है जब चिड़चिड़ा अपन अधिक बढ़ जाने के बाद जो है ईडी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जानकारी रांची के सिविल सर्जन को दी। सिविल सर्जन के द्वारा जो है तीन सदस्य मेडिकल टीम को रांची के ईडी दफ्तर भेजा गया, जहाँ आलमगीर आलम की मेडिकल जांच कराई गई। हालांकि ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य चीजें तो ठीक थी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम की अगर हम माने तो पूरे पूछताछ के दौरान जो है आलमगीर आलम अधिकतर जो वक्त है वो चिड़चिड़ापन उनके चेहरे पर जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईडी के कई तीखे सवाल जो है आलमगीर आलम से जब पूछे जा रहे हैं तो उस दौरान जो है वो लगातार चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की कोशिश है कि ना सिर्फ पैसे से जुड़े जानकारियां जो है आलमगीर आलम से निकाली जाए, क्योंकि विभागीय मंत्री होने के नाते जिस तरह से उसके ओएसडी और ओएसडी के नौकर जहांगीर के ठिकाने से 32 करोड़ रुपये से अधिक पैसे बरामद किए गए थे, और कई कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ इंजीनियर्स के पास से भी ये पैसे बरामद किए जा चुके हैं, तो इन तमाम सवालों को लेकर के लगातार आलमगीर आलम निशाने पर हैं ईडी के। और ऐसे में ईडी के सवालों के जवाब देने में आलमगीर आलम जो है इस दौरान जो है काफी चिड़चिड़ा रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। डॉक्टरों की टीम ने आलमगीर आलम को ना सिर्फ आराम करने की सलाह दी, बल्कि कुछ दवाइयां भी कहा है। दवाइयां जो पहले से चल रही हैं उसे समय पर लेने की सलाह दी गई है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम के ये भी मानना है कि आलमगीर आलम को जो पुरानी समस्याएं थी, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर बीपी की बात करें, उन तमाम चीज़ें जो हैं वो सामान्य हैं। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देने में आलमगीर आलम इस दौरान काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।